सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस अभियान में पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस कड़ी में सोलन पुलिस ने एक स्थानीय युवक को 43.92 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार युवक सोलन के समीप बेर गांव का रहने वाला है। डीएसपी रमेश शर्मा के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सपरून में नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान पुलिस ने एक जायलो गाड़ी से यह चिट्टा बरामद किया। आरोपी ने बड़ी चलाकी से नशे की इस खेप को गाड़ी के डैशबोर्ड में छुपा रखा था, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र से आरोपी बचने में नाकामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोलन पुलिस द्वारा जो नशे के विरुद्ध ये जो विशेष अभियान चलाया गया है, इसी के अंतर्गत आज जो हमारी सोलन की SIU टीम है, उन्होंने जो सपरून गुरुद्वारा से दोहरी दीवार को जो रोड जाता है उस पर एक टैक्सी जाइलो HP01S1058 गाड़ी को जब चेक किया तो उसके अंदर बैठे व्यक्ति महेंद्र सन ऑफ बाबूराम निवासी सोलन से लगभग 43.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को कब्जा पुलिस में ले लिया गया है और मामले में तफ्तीश की जा रही है और आगामी तफ्तीश पे जैसी भी स्थिति होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, शायद ये गाड़ी पहले भी इसी तरह के मामले में पकड़ी जा चुकी है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लगातार जो है इस तरह से जो नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त रहती है। गाड़ी के मालिक और उनको सभी को हम इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट करने का प्रयास करेंगे और जो भी देखते हैं कि कहां से इनके तार जुड़े हैं, इस बारे में अन्वेषण किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।